दीक्षा कुमारी। हाय दीक्षा, अभी दोबारा से प्लीज ऐड हो जाइए सारे, क्योंकि अभी ये किसी और के साथ है। वो पहले तनवीर के साथ है, बट मिस मराठा जो है, पूजा नाम है उनका एक्चुअली में, तो वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनको कुछ प्रॉब्लम शेयर करनी, बट मैं साथ में ऐड नहीं कर सकते थे उनको उस टाइम। तो आई थॉट टू कंडक्ट अनदर लाइव सेशन विद हर। तो मिस मराठा, प्लीज ज्वाइन आर लाइव सेशन। लेट मी सेंड हर अ रिक्वेस्ट। उनको भेजा है मैंने लाइव सेशन। जब तक आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बता दीजिए, तब तक हम वो बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अभी ज्वाइन करेंगे मिस मराठा, अभी रोहित विशेष ने ज्वाइन किया है। तो क्लास उसमें पूछा था अभी तना सेंडिंग में रिक्वेस्ट। रिगार्डिंग स्किन ग्लो, स्किन ग्लो का क्या है भाई साहब, मोह माया है सारी स्किन ग्लो का। बड़े सुंदर लग रहे हैं, सुंदर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट लाइट पड़ रही है फेस पे, तो इसलिए हम सुंदर लग रहे हैं और नहा के भी आए हैं। रिगार्डिंग स्किन ग्लो मिस्टर रिद्धेश्वर, नथिंग मच। जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा तो आप बॉडी जो चेंजेस हो जाएगी, स्किन में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा आप खाओ पियो अच्छे से, जूस वगैरह पियो, अनार का, गाजर का, चुकंदर का, ठीक है। इनमें से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बट ये करना बहुत जरूरी होता है। इससे कहते हैं आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, स्किन ऑटोमेटिकली जो ठीक होने लग पड़ती है। इसके अलावा आप स्क्रबिंग करो फेस की, मास्क वगैरह लगाओ अगर आपके पास टाइम है तो, बस यही चीजें करो। मैं मिस मराठा का वेट कर रही हूँ, वो आ ही नहीं रही है अब। ये जो छाले होने लगते हैं गर्म चीजें खाने से, अमरूद सुना है ना, अमरूद की जो पत्ते होते हैं बिल्कुल बेबी लीव्स जो होती है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की, शुरू शुरू की जो होती हैं, तो आप वो चबाया करें, उनका जो रस होता है ना आपके ये जो छाले उनको ठीक कर देगा। ये मैंने खुद ट्राई किया। ये मैंने ये जो टॉन्सिल होते हैं, गले के टॉन्सिल होते हैं, क्योंकि जब ट्रीटमेंट पे होता है टॉन्सिल होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे वाइट वाइट से यहाँ बनने लग पड़ता है, यहाँ पे ब्रश करो फिर निकल रहा गंदगी लगा, तो बस वही जो है। तो मैंने मैंने ऐसे ही ट्राई किया, पता किसी ने मुझे बताया था, आई एम नॉट श्योर। तो वो मैंने खाना शुरू किया, जब मेरे को ऐसा ऐसा नहीं कि रेगुलर ही खाओ, बट बीच बीच में उसको उसका पत्ते लो, चबाओ, उसका रस जो है ले लो। जैसे उसका रस जाएगा तो उसमें पत्नी कोई एंजाइम होता है, समथिंग लाइक दैट, कि वो हील कर देता है आपके छालों को, अल्सर को, इन सब चीजों को। तो ये ट्राई करना एक बार आप। बाकी ठंडी चीजें खाते रहो आप, ये क्योंकि मेडिसिन गर्म होती है और मेडिसिन गर्म चीजें ही आप खाओगे तो ऑब्वियसली आपको मुंह में छाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। पर कहीं जो होते हैं काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि मतलब मेडिसिन खाने से पड़ जाते हैं, तो ठंडी चीजें जरूर खाएं। ठंडी चीजों में जैसे अब ऑरेंजेस आ जाएंगे, ऑरेंजेस वगैरह लो, मौसमी वगैरह लो, बट ये चीजें जो है वो धूप में लो, धूप में सेट कि दोपहर में लो ताकि आपका गला वगैरह खराब ना हो। बट हाँ, आपको कोई और टाइप का टीबीएस स्पाइन में है या कहीं और है तब तो फिर आप ले लो, बट स्टिल अपना ध्यान रखना जरूरी होता है। मैम पूरा दिन कितनी बार करना चाहिए? शिवाली क्या करना चाहिए पूरा दिन, क्या पूछ रहे थे आप? तो प्लीज कोई मिस मराठा को बता दीजिए कि उनके लिए लाइव सेशन रखा हुआ है, अगर वो ज्वाइन कर सकती है तो। गाइस हमने जिस टीवी की बात करी, टीवी के बारे में बात करी, बॉलीवुड से भी बात करी, काफी अच्छा लगा क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। पर जैसे तनवीर की बात करूँ, जैसे मुझे बात की उनसे, तो मैं तो मुझे काफी पॉजिटिव लगे वो, काफी पॉजिटिव थे लाइफ को लेके। क्योंकि अगर किसी की
फैमिली में इतने टीवी केसेस आ गया तो बंदा तो वैसे ही टूट जाता है, बट ही सीम्स वेरी पॉजिटिव और वो हेल्प भी कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, सब कुछ कर रहे हैं, इवन ट्रीटमेंट के दौरान कर रहे हैं, ठीक है, कई लोग नहीं हिम्मत रखते इतनी भी। तो मैं टीवी वॉरियर्स को यही कहना चाहती हूँ कि गाइज आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, अब आप ये मत सोचो कि हाँ मैं ही क्यों, मैं क्यों नहीं, ये सोचो अगर आपका है आप ठीक भी हो जाओगे, पर ठीक होने के बाद अपनी लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं, हम भी बिजी हैं, मैरिड हूँ, वर्किंग भी हूँ, सब कुछ है, बट आप अगर थोड़ा सा भी टाइम हफ्ते में निकाल लो, कुछ भी किसी की हेल्प करें, मैं ये नहीं कह रही टीवी पेशेंट की हेल्प करो या कुछ ऐसे किसी भी की हेल्प करने के लिए, तो एक वर्ल्ड जो है वो बेटर प्लेस बन सकता है, ठीक है, सिर्फ अपनी लाइफ में गुम हो जाना ही वो नहीं होता है, अगर आपको कोई चीज हुई है, टीवी हुआ है, आपने स्ट्रगल किया है, तो ऊपर उस लाइक लाइफ का मीनिंग ही क्या, फिर से उसी रेस में खो जाना है, थोड़ा सा हटके कुछ मतलब 100 में से आप 1% जो है वो मतलब कुछ किसी की हेल्प करने ही हेल्प करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज एक अच्छा फीलिंग भी देता है और हेल्प भी हो जाती है लोगों की। दिवाकर ऐसे नहीं मैं बता सकती कौन सी गोली खाने के बाद, मैं इसका इनका क्वेश्चन है कि 4 ग्रुप में टेबलेट लेता हूँ, क्या बता सकते इस गोली को खाने के बाद वोमिट होती है, वो मैं नहीं बता सकती, वो मिक्सचर ही होता है मेडिसिन का, क्योंकि मेडिसिन कैसे होती है, एसिडिटी वगैरह बनेगी पेट में, आपका पेट ठीक नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ होगा जिसकी वजह से वॉमिट हो जाती है, और स्टार्टिंग के डेज में जो है वो आपकी बॉडी जो है वो मेडिसिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो वो थ्रो आउट कर देती है सिस्टम से अपने, ठीक है, तो वही चीज है एज इट इज, तो मैं किसी मेडिसिन का नाम नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि सभी मेडिसिन जो होती है हाई डोज होते हैं और गर्म होती है। लिंजोनाइट बंद कर रखा है मेरा ब्लड कम होने की वजह से, इससे क्या लिंजोनाइट पता है क्या होता है, किसी को साइड इफेक्ट्स होते हैं तो या तो उसका डोज बंद कर देते हैं, ज्यादा साइड इफेक्ट है तो वो ही मेडिसिन को थोड़ी देर रोक देते हैं, अगर आपका ब्लड कम हो गया है तो उसको, वैसे भी मैं मेडिसिन खा के ब्लड थोड़ा कम हो ही जाता है, तो आप थोड़ा उसको रिकवर करने की कोशिश करो, एज इट बाकी तो कुछ नहीं होगा, बस आप जितना भी ब्लड को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो डेली लेना शुरू कर दो, आपको लाइक हफ्ते में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। हेमन मैं जरूर, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ हेमन की मैं किसी स्पाइन टीवी वाले के साथ लाइव करवाऊंगा, एंड जल्द ही मैं करवाऊंगी, मेरी पूरी कोशिश है खुद कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टीवी वॉरियर्स जो होते हैं उनके साथ लाइव सेशन करवाऊँ आपका, इससे काफी अवेयरनेस होगी, वीडियो कुछ ना कुछ तो बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। ओमकार मेरी फैमिली में किसी को टीवी नहीं था, पैसों के बट ये नहीं है कि तुम फैमिली में रहते, तुम बाहर भी तो जाते हो, बाहर कई लोगों से कांटेक्ट तुम्हारा होता है, तो देर आर चांसेस कि आप किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में आ गए हो, या फिर मान लो एयरबॉर्न होता है किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में आ गए जिसको टीवी हो और आपको पता ना हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एयरबॉर्न होता है तो कैसे भी हो सकता है ये, तो पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब डायग्नोज हो गया तो मच बेटर ये होगा कि आप जो अपने ट्रीटमेंट पे ही फोकस करें। और गाइस जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लिया है बट मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉलो नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज समटाइम से मैं काफी मैं टीवी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं कर रही हूँ, शायद सोच गलत भी हो सकती है मुझे नहीं पता, बट अगर थोड़ा सा जो भी टीवी वॉरियर्स थोड़ा सा वो भी एफर्ट डालें ना अपने इसके लिए, तो चीजें काफी सही मतलब काफी हद तक सही हो सकती है लोगों के बाद इसी वजह से। हाँ वो छोटे होते लेते थे, हाँ लेते हैं हम, तो वो आई थिंक उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, आई गेस आई एम नॉट श्योर, तो उसके बाद टीवी हो जाती है, क्योंकि छोटे होते जो होती है वो सबको वैक्सीनेशन होती ही है, तो आफ्टर जब हम बड़े होते तब भी टीवी हो जाती है, तो ये चीजें मिस मराठा फिर आई नहीं, लास्ट वीडियो में मैंने उनको ऐड नहीं कर पाई थी बट इस वीडियो में वो आ ही नहीं पा रही है, मैं को रिक्वेस्ट सेंड कर देती हूँ उनको, अगर कोई है तो प्लीज उनको बता दीजिए। शिवाली दुबे बहुत बड़ी बीमारी हम लोगों ने बना रखा है, शिवाली बहुत बड़ी बीमारी इतनी नहीं है, बड़ी बीमारी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको टैबू बना दिया है, अगर
टैबू नहीं होगा ये, तो इस पर नॉर्मल बीमारी की तरह आधा तो 50% तो ये होता है, चलो ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है आई अंडरस्टैंड, बट ये भी करते हैं कि एज अ टैबू ट्रीट करते हैं, पड़ोसी को नहीं बताना, रिश्तेदारों को नहीं बताना, अब शादी की उम्र हो गई है तो यही चीज है। और नेक्स्ट अभी मेरे को आइडिया कि नेक्स्ट जो हम सेशन करेंगे, क्योंकि देखो मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट ऑलमोस्ट पर्सन जो है वो 20s में है, शादी की उम्र हो रखी है, तो आई थिंक ऐसा भी लाइव सेशन करवा जिससे हम इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सके, या मैं किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते तो उनसे कनेक्ट करके हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे दिवाकर, खाने में क्या खाना चाहिए? टीबी में ये है कि आप सब कुछ खा सकते हो, सच बताओ अगर आपको पच जाता है ना तो आप सब कुछ खा सकते हो, बस खट्टा मीठा जो है वो टाइम पे खाना है, ये नहीं कि शाम को खा लिया कभी भी खा लिया। प्रोटीन रिच डाइट लो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं आपको एक जनरल चीजें बता दूंगी जो खानी खाई जा सकती हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना दिवाकर, या फिर आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल एमडीएस सर्वाइवल जर्नी उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कौन कौन सी प्रोटीन रिच डाइट है, कौन सी लेनी चाहिए, और चीजें भी मैंने वहां पे शेयर की हुई है। तो वो ये सारी बातें हैं टीवी से रिलेटेड। आई होप आपको मेरा पिछला लाइव सेशन भी पसंद आया होगा, और इसमें मैंने जनरल क्वेरीज ही हैंडल की हैं, लास्ट वाली में मैंने बता लाइक ये वाली तो मैंने मिस मराठा के लिए रखी थी बट वो आ ही नहीं पाई, और लास्ट में उनको मैं ऐड नहीं कर पाई। अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देना। सनशाइन ऑफ बनाना, एक बात बताऊं, बनाना आई हेट बनाना, मैंने ट्रीटमेंट के बोले आगे पीछे नहीं खाया है, मैंने खाया है जैसे मेडिसिन खाते वक्त खाया, तो मुझे आज तक बनाना से नफरत हो गई है, तो मैं लेती ही नहीं हूँ। तो बस पेपर मैंने सुना है क्योंकि वो ठंडा होता है तो बच्चों को होता है ज्यादा कि सर्दी लग जाएगी बनाना ना दो शाम के टाइम या कुछ ऐसा, बट वैसे नहीं है, बनाना इज अ गुड फ्रूट, इसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब एक पैकेज होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो यू कैन हैव इट, ठीक है, तो सर्दी ऐसी नहीं होती, बट शाम को मत खाओ ना, मॉर्निंग में ले लो, दोपहर को ले लो जब भी वो होता है, शाम को मत खाओ, शाम को वैसे भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए कि 4-5-6 बजे आप फ्रूट खा रहे हो तो वो कोई टाइम नहीं है फ्रूट खाने का, मॉर्निंग में लो 11-12 बजे ले लो, वैसे करो। किसी और की क्वेरी हो? तो गाइस अभी तो नहीं मैं सुनाटा से जुड़ पाई हूँ, तो बाद में नेक्स्ट सेशन शायद उनके साथ करूँ, अभी है मेरे पास काफी लोग हैं जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, एंड आई लव टू शेयर देयर स्टोरी विद यू, कि अच्छा लगता है कि शेयर करता। तनवीर ने अपनी स्टोरी बताई, इसके सर्कमस्टांसेस कैसे कैसे उसने हैंडल किया, पहले इसको इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट था, शॉर्टर वाला था, वो उसको सूट नहीं किया, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, फिर इसका लॉन्गर में कन्वर्ट किया, तो कई लोगों को ऐसे सोच के परेशानी हो जाती है कि यार ये मेरे साथ हो गया ठीक है नहीं है, बट जब आपको पता लग जाता है यार इस बंदे के साथ भी ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली इट इज गुड थिंग फॉर यू, राइट? तो ऐसी चीजें तो ऐसे अवेयरनेस होते हैं, तो वी विल टॉक मोर अबाउट टीबी, और इसको हम सोशल स्टिग्मा जो है वो उसका हटा के रहेंगे, ताकि टीबी जो है जस्ट लाइक नॉर्मल बीमारी की तरह ही इसको ट्रीट कर सकें। गाइज अब मैं जाती हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो मैं आपको बता दूंगी कब होगा, तो तब तक के लिए सी यू बाय बाय। बट अब मुझे कुछ एक दो जो उन्होंने और ज्वाइन किया है, कविता विशिष्ट, हाय कविता, शायद इन्होंने पहला सेशन जो है वो मिस कर दिया है। चलो गाइस अब मैं जाती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कब कैसे कहाँ मैं अपना नेक्स्ट सेशन जो कंडक्ट करूंगी, बट वो भी इंटरेस्टिंग ही होगा।
किसी वॉरियर के साथ। तो बाय बाय।